बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उनकी, उसको लेकर आप क्या विचार करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने उनको कभी सुना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कथा करती हूँ और मैं कथा तक ही सीमित हूँ, और बाकी लॉ के साथ क्या होना चाहिए, देश के साथ सरकार बैठी है, अपना काम कर रही है, तो आई थिंक वो उनका काम ज़्यादा अच्छा है, उनको सौंप दिया जाए। मेरा जो काम है वो कथा करना है, मैं उसको अच्छे से कर लूँ, आई थिंक वही ज़्यादा हो। समर्थन करती हैं आप हिंदू राष्ट्र? मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो तो बहुत अच्छी। बहुत छोटी सी उम्र है, कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भगवान से ही मिली मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, समझा नहीं था। मैं 6 साल की आयु थी मेरी जब मैंने शुरुआत करी, भजनों से करी, फिर कथा में आई। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने ये नहीं चुना, इस स्थान ने मुझे चुना। दीदी आपकी शादी को लेकर क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता है पर्सनल क्वेश्चन में नाम पूछें, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है, पर्सनल लाइफ रहती है, मेरा रिक्वेस्ट है मेरे को। लेकिन एक ही बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ होगी, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं, देखिए, अगर होगी तो छुपा के नहीं रखी जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन जब तक मेरे चैनल पर दिख नहीं रही है, मतलब नहीं हुई है, जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। हाँ जी सॉरी, आप कथा से रिलेटेड बात पूछे तो मेरे लिए ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज अपन धर्म की कथा की बात करने हैं। और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन भी किया था कि जिस चैप्टर पर अपन बात करने आए हैं वो अगर हम जनता तक पहुंचाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।